वेल बिग बॉस सीजन 1 ओटीटी का काफी बड़ा सक्सेस रहा है और अब आपको बता दें सीजन 2 बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है, जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्ट में शुरू होने जा रहा है बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का सफर, जहां पे एक नाम ऑलरेडी सामने क्लियर है कि मुनव्वर को किया गया है अप्रोच फॉर बिग बॉस ओटीटी। भले ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम लाइव में बोल दिया था कि अभी तक फिलहाल वो एक कैप्टिव रियलिटी से आए हैं जहां पे वो 10 हफ्ते ऑलरेडी रह के आ चुके हैं, सो अभी फिलहाल वो किसी और कैप्टिव रियलिटी में नहीं जाना चाहते। लेकिन आपको बता दें 7 मई को खत्म हो चुका है लॉकअप और अब अगर बात करें तो उन्हें पूरा का पूरा जून महीना मिलने वाला है। मई का महीना भी ऑलमोस्ट समझ ही लीजिए उन्हें मिल चुका है एंड जुलाई का भी मिलेगा, जिसके चलते 3 महीने का अच्छा खासा ब्रेक जो है उन्हें कैप्टिव रियलिटी से मिलता हुआ नजर आ रहा है। एंड उनकी जिस तरीके से फैन फॉलोइंग देखी जा रही है एंड जिस तरीके से पीपल आर लविंग हिम, आई डोंट थिंक कोई भी थिंक करेगा कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुनव्वर अपने हाथ से जाने देगा। सो इसलिए लग रहा है कि शायद देर इज अ चांस कि मुनव्वर इस शो को हाँ कर दे। लेकिन मुनव्वर के साथ और ऐसे कौन कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो हमें नजर आने वाले हैं सीजन 2 ऑफ बिग बॉस ओटीटी। वेल मुनव्वर के साथ कौन कौन पंगा ले सकता है सीजन में आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जैद दरबार यानी कि गौहर खान के हस्बैंड को भी इस शो के लिए अप्रोच किया गया है और उन्हें भी ऑफर दिया गया है टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस ओटीटी सीजन 2। उसी के साथ साथ उनके भाई आवेश दरबार को भी अप्रोच किया गया है इस नए सीजन के लिए, तो अभी तक उनसे कोई जवाब नहीं आया है। एंड ऑब्वियसली इवन इफ उन्होंने एक्सेप्ट करा होगा फिलहाल तो वो बोलेंगे नहीं बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट बाउंड होंगे, तो ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से हाँ या ना दोनों भी आने नहीं वाली है अनटिल द टाइम इज राइट। सो ये दो नाम तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ और कौन कौन से नाम है तो आपको बता दें पूनम पांडे को भी अप्रोच किया गया है, जिन्हें हमने लॉकअप के अंदर देखा था, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट्स थी। लेकिन यस एंड में उनका गेम थोड़ा स्पॉइल होते हुए क्लियरली दिख गया था, जिसके चलते फिनाले के करीब आके भी वो फिनाले से आउट हो गई। वेल फिलहाल रोडीज के करंट सीजन में हम एक्स रोडीज को, पुराने रोडीज को भी देख रहे हैं अलॉन्ग विद द न्यू रोडीज, और उसमें है केविन और बसीर अली। जी हाँ, ये दोनों को भी अप्रोच किया गया है इस तरीके से खबरें सामने आ रही है। दोनों की शो में काफी तगड़ी राइवलरी भी दिखाई दे रही है और कभी दोस्त कभी दुश्मन की जो उनकी एक लव हेट रिलेशनशिप है बिग बॉस के ओटीटी सीजन में भी देखने को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इन दोनों को भी अप्रोच किया गया है इस तरीके से खबरें सामने आ रही है। निया शर्मा जो सीजन 1 ऑफ ओटीटी में बतौर गेस्ट आई थी कुछ दिनों के लिए रहने, अब इस बार उन्हें एज ए कंटेस्टेंट अप्रोच किया गया है। अब ये देखना बाकी है कि क्या वो इस शो को हाँ करेंगी या अभी इस शो को ना करेंगी, सो अगेन इट डिपेंड्स। उसी के साथ साथ अनुष्का सेन को भी अप्रोच किया गया है, इन्फ्लुएंसर एंड एन एक्टर जिन्हें हमने रिसेंटली पिछले सीजन ऑफ खतरों के खिलाड़ी में भी देखा हुआ है। सो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ओटीटी के इस सीजन में बिग बॉस के क्या वो आना चाहेंगी, क्या वो एक्सेप्ट करेंगी इस ऑफर को। सो फिलहाल के लिए ये नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के लिए अप्रोच किया गया है। अभी तक उनसे जवाब हाँ आया है या ना आया है ये कहीं से भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन ये कुछ नाम है जिन्हें 100% अप्रोच किया जा चुका है। वेल क्या कुछ है कहना, इन लोगों में से आप किस किस को देखना चाहोगे सेकेंड सीजन ऑफ बिग बॉस ओटीटी में, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो। आई सी यू गाइस सून।